ये फंडामेंटल राइट्स हैं। पत्र में है ये ना, ना जब 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 भारत सरकार की आर्थिक सहायता से अमिताभ जी कल बता रहे थे सहमत नाम की एक एनजीओ माता सीता और हनुमान जी के बीच में गलत संबंधों को स्थापित करती हुई चित्रों की प्रदर्शनी दिल्ली में लगवा सकती है। अर्जुन सिंह मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उनके कार्यकाल में ऐसा हुआ था, तब हंगामा नहीं बरपा। मकबूल फिदा हुसैन ने कैसे कैसे चित्र बनाए, तब हंगामा नहीं बरपा। इतनी छोटी सी बात जो हुई नहीं है उस पर बेजा तरीके से आप लोग हंगामा मचा रहे हैं। जो मजहबी जो मामला है, सुनिए मेरी बात, मजहबी मामला है, चाहे भगवान राम जी का हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी का हो। तो आजम खान साहब और आप उस वक्त कहाँ थे? आजम खान साहब और आप उस वक्त कहाँ थे? आजम खान ने तो हमेशा मुखालफत करी इन बातों की। आजम खान साहब ने तो कभी इस बात को पसंद ही नहीं किया। यही वजह है कि पूरी दुनिया ने माना कि कुंभ का मेला का कितना अच्छा इंतजाम। आप रहिए हमारे साथ, आप रहिए हमारे साथ, हमारे साथ आबिद हुसैन साहब हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। आबिद भाई, ये गजब तरीके की फिरका परस्ती है, ये गजब तरीके की सियासत है। नहीं नहीं, यहाँ तो दो तीन बातें हो गई। हाँ। आपने जब स्टार्ट किया इस खबर को बताने के लिए, हाँ, तो मुझे तो सबसे ज्यादा आपकी फिक्र हो गई। हाँ। कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार की नाकामियां हैं, तो अगर ये कमेंट पर ही आपके खिलाफ कोई मुकदमा कायम करवा दे तो कैसा। वो तो उन्होंने कहा था ना, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा था ना अमिताभ जी, मुझे कहा आप जेल जाने ना, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। अमिताभ जी मेरे बड़े भाई, खाना दे देंगे मुझे जेल में। सुनिए, एक्सप्रेस ऑफ क्या नाम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग, सबके कायदे हैं। हाँ। और अगर इन्होंने ये बात कही है तो जो टेक्निकल बात है वो ये है कि अगर इन्होंने फेसबुक पर खुदा के शान में कही जाने वाले कोई जुमले लिखे हैं, हाँ, तो वो फेसबुक खाली इनके ही उस पर नहीं खोलेगी, वो पूरे, हाँ, हिंदुस्तान में कोई भी खोलेगा तो उस पर फेसबुक पर वो कमेंट होगा, उसका प्रिंट ये आपको मुहैया करा दें और सब लोगों के सामने रख दें। बस एक बात। हाँ। दूसरी चीज, अगर ये बात सच है और अगर ये बात इन्होंने मानी थी और मुकदमा कायम भी किया गया था, हाँ, तो क्या न्यायालय के न्यायाधीश ने के सामने ये नहीं आया, और अगर आया तो उन्होंने कैसे बेल दे दी? हाँ। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं हाँ, गलत तरीके से मुकदमे में फंसाकर न्यायालय में जब बात उनकी तरफ से उनके वकील ने पेश की, हाँ, और ये बात न्यायाधीश को समझ में आई कि, हाँ, ये गलत फंसाए गए हैं, हाँ, तो उन्होंने बेल ग्रांट कर दी। वीरेंद्र यादव साहब, वीरेंद्र यादव साहब, ये क्या अंधेर कर दी है? क्या अब हम आप लोग लिखना पढ़ना बोलना बंद कर दें, सब अपने आप को कोठरी में कैद कर लें? नहीं, बिल्कुल आप बोले ना। वीरेंद्र यादव साहब, यादव जी, वीरेंद्र यादव, देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक लेखक को उसकी अभिव्यक्त के लिए दंडित किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। हाँ। और जिस फेसबुक की टिप्पणी की बात है तो उस फेसबुक पर उस मसले पर, दुर्गा शक्ति नागपाल का मसला हो या आरक्षण का मसला हो, उस पर सैकड़ों कमेंट्स फेसबुक पर हैं और मैं फेसबुक पर खुद हूं, और कमल भारती जी ने जो टिप्पणी की थी मैंने, हाँ, उसको पहले ही लाइक किया था, हाँ, यानी इस घटना के पहले, और सैकड़ों लोगों ने उसको लाइक किया था, उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। हाँ। क्योंकि आरक्षण को लेकर के, दुर्गा शक्ति नागपाल के मसले को लेकर के, हाँ, इस सरकार की जिस तरह से फजीहत हो रही है, हाँ, इस सरकार की जनतांत्रिकता जिस तरह सवालों के घेरे में है, हाँ, ये सबकी चिंता का विषय है। जी। अखबारों में इस पर टिप्पणियां की गई हैं, संपादकीय लिखे जा रहे हैं, और फेसबुक तो एक ऐसा तत्कालिक माध्यम है जिसमें तत्काल एक टिप्पणी की जाती है। कंवर जी ने उस तत्काल टिप्पणी की, और ये वास्तव में बहुत चिंता की बात है जी, कि उस फेसबुक की टिप्पणी के लिए कमल भारती पर सांप्रदायिकता फैलाने का और धार्मिक फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कमल भारती साहब सपा के राज्यसभा के सांसद नरेश अग्रवाल वो कहते हैं कि कमल भारती जिस जाति में पैदा हुए उस जाति की ही सियासत कर रहे हैं, उन्हें जातिवादी सियासत से बचना चाहिए। लुक हु इज टॉकिंग, ये कहना है नरेश अग्रवाल साहब का, जो सभी राजनीति के सभी घाटों में पानी पी पी कर आज यहां पहुंचे, जिनकी पार्टी, हमारी रिपोर्ट में कहा गया ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे आप, दलित सम्मेलन करेंगे आप, महादलित सम्मेलन करेंगे आप, यादव सम्मेलन करेंगे आप, प्रदेश का यादवीकरण करने पर आमादा हो जाएंगे, यूपीपीसीएस को भी नहीं छोड़ेंगे। आप उस पार्टी के सांसद होकर, कमल भारती जी आपको नरेश भाई जातिगत सियासत ना करने की सलाह दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हाँ। वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं समाजवादी विचारधारा का आदमी हूँ, जातिवाद में बिल्कुल मेरा विश्वास नहीं है। हाँ। अम्बेडकर, समाजवादी अम्बेडकर मेरी किताब है, और दलित जो विषय, दलित समस्या जो एक विषय है, हाँ,
वो सामाजिक परिवर्तन का विषय है, वो जाति का विषय नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मैं दलित समस्या पर लिखता हूँ, दलित समस्या का मतलब है सामाजिक सामाजिक विषमता को दूर करने का विषय। हाँ, सामाजिक असमानता के खिलाफ लेखन। हाँ, सामाजिक असमानता के खिलाफ लिखा गया लेखन जाति का लेखन नहीं है। हाँ, मैं किसी जाति के पक्ष में जाति की बात नहीं करता हूँ। हाँ, हाँ, मैं जातिवाद के खिलाफ बोलता हूँ। मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूँ वो उसमें मेरे बस की बात नहीं थी। ठीक है, उसमें मैं पैदा हुआ उसमें मेरी बस की बात नहीं थी। लेकिन तमाम तरह की बातें कही जा रही है कमल भारती साहब, कि अब आपको क्या कोई डर है? कहा जा रहा है कि आपको जो कट्टरपंथी है वो धमकी दे रहे हैं, जान का खतरा होने की भी आशंका जताई जा रही है, आपके परिवार वालों की तरफ से ये बात कही गई है। कमल भारती साहब, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है ना। किससे खतरा आपको, सवाल तो ये है ना, जान को खतरा भी हो सकता है। खतरा किससे? और भी तमाम चीजों पर खतरा हो सकता है, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया भी जा सकता है। हाँ, नहीं, खतरा किससे है? देखिए, जान का खतरा भी अब जिनके खिलाफ लिख रहे हैं, जो उनको फंसा रहे हैं, हाँ, तो वो उनसे ही खतरा है, और मुझे किससे खतरा हो सकता है? हाँ, और मेरा दुश्मन तो है नहीं। ठीक है, आप रहिए, आप रहिए, आप रहिए। फसाद अली खानू साहब, एक तो आप गलत तरीके से किसी शरीफ आदमी को उठा के बंद करवा देंगे, बाद में जान का खतरा भी उसके ऊपर थोप देंगे, ऐसे लोकतंत्र कैसे चलेगा फसाद भाई? बात कर रहा हूँ ना, थोप नहीं रहा मैं भाई, रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। 29 जुलाई में इन्होंने ये कमेंट किया, और जो आज के दैनिक जागरण पेज नंबर 3 पे छपा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, सुन लीजिए। हाँ, हेडिंग ये कमेंट बना मुद्दा। अरे आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं फसाद भाई, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, कमल भारती ने अपनी फेसबुक वॉल पर जो लिखा उसका स्क्रीन प्रिंट आपके पास है क्या? दैनिक जागरण में क्या छपा, अमर उजाला में क्या छपा, समाचार प्लस ने क्या बोला, ये सब बातें अलहदा हैं। मैं आपको फेस कर दूंगा। हाँ, बात ये है तो आप, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप जरा मेरा नंबर नोट कर लें। मैं आपको फेस कर दूंगा। मैं आपको नंबर बता रहा हूँ अपना, 0120 नोएडा का कोड है, और फोन नंबर है 4646300। इस नंबर पर जरा आप मुझे फेस कर दीजिए, और अगर तुरंत कर देंगे अगर आप, तो मैं इस चर्चा में शामिल कर लूंगा इसको। आप मुझे बताइए 4646300। जी, ये मेरा फोन नंबर है, आप इस पर तुरंत फैक्स कीजिए, इसी लाइव शो में फैक्स कीजिए। अभी करता हूँ मैं फैक्स। जी ठीक है, मैं आपका फोन कट कर रहा हूँ कुछ देर के लिए, दोबारा आपको जोड़ूंगा। हितनाम दीक्षित जी, जो फसाद साहब देख पा रहे हैं वो अमिताभ जी, आप, मैं, आबिद भाई, धीरेन्द्र यादव साहब, अमिताभ जी, हम सब लोग वो क्यों नहीं देख पा रहे? मैं ये निवेदन कर रहा था, हमारी बात आधी रह गई थी। हाँ, मैं ये निवेदन कर रहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार, हाँ, किसी भी तरह से कोई लोकतांत्रिक विरोध बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हाँ, क्यों? दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में ही एक मंत्री का उत्तर प्रदेश में, जो वरिष्ठ मंत्री है, उनका बयान आया है पत्रकारों के बारे में कि उसमें कुछ भेड़े हैं जो असलियत नहीं देख पा रही, और इस तरह का पत्रकारों के बारे में। नरेश अग्रवाल जी का कल स्टिंग ऑपरेशन किया है टीवी चैनल ने, उसमें अग्रवाल साहब ये कहते पकड़े गए कि ऐसे अधिकारी को तो मैं सही कर दूंगा, अब तो इनको बर्खास्त करूंगा। और ये भी कहा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अगर मैं उसके घर का उसका किस्सा सुना दूं, किस परिवार की है, तो पोल सारी खुल जाएगी। हाँ, तो इस तरह से समाजवादी पार्टी और उसकी सरकार का आचरण है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की लोकतांत्रिक कार्रवाइयां, उत्तर प्रदेश में विचार अभिव्यक्त की संवैधानिक स्वतंत्रता, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश में लिखने पढ़ने की आजादी, ये हाँ, सारी की सारी खत्म हो गई है। हाँ, और ये कमल भारती जी को सब लोग जानते हैं। हाँ, कमल भारती जी पर राजनीति करने का आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। मेरे ऊपर लगाया जाए तो ठीक है, मैं लिखता भी हूँ। हाँ, किताबें भी लिखता हूँ। हाँ, अखबार में भी लिखता हूँ और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूँ। हाँ, कमल भारती तो शुद्ध रूप से डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर एक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं, और उन्होंने इस मामले में भी देश को, समाज को जगाने का काम किया है। हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार उन पर आमादा है। हाँ, किसी न किसी तरह से उनको फंसाने के लिए। कमल भारती अकेले नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश का सारा पत्रकार जो सरकार के बारे में टिप्पणियां करता है। हाँ, उत्तर प्रदेश का साहित्यकार जो सरकार के बारे में ठीक ठीक बोलता है। हाँ, सबके सब संकट में है। उत्तर प्रदेश में 1975 वाला आपातकाल, श्रीमती इंदिरा गांधी वाला, उसकी आहट सुनाई पड़ रही जो बड़ी खतरनाक है। आपके चैनल ने यह सवाल उठाया, ये आहट रुकेगी। बहुत धन्यवाद जी। आबिद हुसैन साहब, हो सकता है, हो सकता है कि अमिताभ जी और मेरी वॉल पर भी अब वो फसाद साहब लेंस लगा लें,
हो सकता है मेरे गृह जनपद बांदा में और अमिताभ जी के गृहनगर फर्रुखाबाद में उनके खिलाफ मुकदमे हो जाएं, हो सकता है हम लोगों को, हम नोएडा में रहते हैं, अमिताभ जी गाजियाबाद में रहते हैं, कमोवेश दोनों जगह यूपी में है, हो सकता है कल हमारी धरपकड़ हो जाए। अहम सवाल यह है कि क्या हम अब किसी को बोलने भी नहीं देंगे? आप करेंगे नहीं, जनता परेशान होगी तो जनता बोले नहीं। वो कहते ना जबरा मारे रो न दे, बुंदेलखंड में कहा जाता ना कि जबरा मारे रो न दे, आप वो करना चाहते हो क्या? आ भरने की तड़पने की ना फरियाद की है, घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सयाद की है। आपने जो कहा उसी से मिलता जुलता शेर है, बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज का कायदा कानून है, बोलने का, लिखने का, कहने का, पोस्टर लगाने का, कहीं पब्लिक प्लेस पर बात करने का, और उन सब नियमों और कायदे कानून के खिलाफ अगर कोई करे, मैं करूं, आप करे, कोई करे, तो वो एक कानून के दायरे में आता है। ये प्रकरण जब मुकदमे की शक्ल लेकर वहां पहुंचा तो आपने फसाद साहब से अपने फैक्स तो मंगाने की बात कही, उनसे कहते कि क्या आपने या आपके वकील ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जिस वक्त बेल की एप्लीकेशन उनकी गई थी तो आपने वो फैक्ट उनके सामने रखे थे? अगर रखे थे उसके बाद ये इनको बेल मिली है तो इससे बड़ी और कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि कोर्ट ने नहीं माना, उनके एलिगेशंस को नहीं माना, उसके बाद भी अगर ये कह रहे हैं तो आपके सामने ये लाएं और उसके बाद ये बताएं कि किस नियम किस कायदे के तहत उनका दिल टूटा है और अगर टूटा है तो इससे पहले क्यों नहीं टूटा, जैसी मिसाल अभी आपने दी और जैसी मिसाल वहां पर और लोगों ने कही। तो ये बात नहीं है कि हम आपसे तो लड़ाई लड़ रहे हैं एक इशू को लेकर और दूसरे को गले लगा लें, और जो बात हमें पसंद आए वो तो ठीक लगे और जो हमें ना पसंद आए तो हम आपके खिलाफ मुकदमा कायम करा दें। तो ये लोकतंत्र में और खासतौर से सरकार में बैठने वाले चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उनके ऊपर नियम कायदों की जिम्मेदारी ज्यादा लगती है। और अगर वो नहीं नियम कायदे चलेंगे तो आम जनता जो भोली भाली है, जो नियम कायदों से इतना ज्यादा वाकिफ नहीं है, उनसे कहां कहां नहीं गलतियां हो सकती है। ठीक बात है। तो पहले तो इनको अपने आचरण सही करना चाहिए जो शपथ लेकर और नियम कायदों के तहत सरकार की गद्दियों पर बैठे हैं। जी, राजू श्रीवास्तव साहब जो आजकल सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में है, कानपुर से लोकसभा के उम्मीदवार हैं, बहुत बड़े हंसोड़ हैं, बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, उनके बहुत सारे एपिसोड मैंने देखे जिसमें वो खुदा शब्द का इस्तेमाल करते हुए तमाम तरह के चुटकुले क्रैक करते हैं। अब जिस तरह से अगर आप कहते हैं कि साहब खुदा भी उनको नहीं रोक सकता, आजम खान साहब के बारे में लिखा, उन्होंने बोला कि मेरी भावनाएं आहत हुई, तो जब राजू श्रीवास्तव कहते हैं और एक बहुत पुराना जुमला है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, तब इनकी भावनाएं आहत क्यों नहीं होती? जब राजू श्रीवास्तव ये कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से पूछा बेटा उतरेगा कैसे, ये भी तो एक चुटकुला है ना, इस पे इनकी भावनाएं आहत क्यों नहीं होती? राजू श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं करते? ऐसे तमाम जुमले और हैं। सवाल बड़ा ये है कि आखिरकार आप समाज में किस तरह का उदाहरण पेश करना चाहते हैं यादव जी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, अगर खुदा को मुहावरे के रूप में इस्तेमाल किया गया है तो बिल्कुल आपत्तिजनक नहीं है। और इसको मुहावरे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि आप खुदा हैं, तो अगर इस संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है और कौन भारती जी ने अगर इसे इस्तेमाल कर दिया तो कोई आपत्ति का मसला नहीं बनता है। दरअसल इस मसले को समस्त लेखक और बुद्धिजीवी समाज ने एक चुनौती के रूप में लिया है। और फेसबुक पर मैं दो दिनों से देख रहा हूं कि सैकड़ों लोगों ने इन्होंने जो टिप्पणी लिखी है उसको शेयर किया है, उसको आगे बढ़ाया है, और सारा लेखक समुदाय में इस समय आक्रोश फैला हुआ है कि ऑब्जेक्ट की आजादी जो कि हमारा एक मूलभूत अधिकार है लेखन के लिए, उस पर एक कुठाराघात है। तो ये कमल भारती का मसला, कमल भारती इस समय प्रतीक है समस्त बुद्धिजीवी समाज के, समस्त लेखक समाज के। तो निश्चित रूप से जनतंत्र के जो भी शुभ चिंतक हैं उनको इस घटना से आक्रोशित होना चाहिए। और सर्वाधिक चिंता की बात यह है कि एक झूठ फैलाया जा रहा है कि कमल भारती ने सांप्रदायिक विद्वेष फैलाया या धार्मिक मसले पर टिप्पणी की, यह सर्वाधिक चिंता की बात है। और मैं समझता हूं कि एक घटना हो गई तो उस घटना पर सरकार को अपने कदम पीछे खींचने चाहिए थे। अब सर्वाधिक टिप्पणी का वक्ता अमिताभ अग्निहोत्री जी, क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपने फ्रस्ट्रेशन में अलग अलग क्षेत्र में बड़े बड़े आइकॉन्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है क्या? दुर्गा शक्ति नागपाल, नवनीत राणा, किसी पत्रकार को उठा के अंदर कर देंगे तो वो बड़ा आइकॉन बन जाएगा, इधर कमल भारती साहब आइकॉन बन गए। सरकार की जो हताशा निराशा है वो इस लेवल तक पहुंच गई है क्या? मुझे लगता है कि बाकी सब प्रसंगों को हम छोड़ भी दें
तो कमल भारती का प्रसंग जैसा भी यादव जी ने कहा, हाँ। ये मसला केवल एक आदमी का नहीं है। हाँ। हम लोग हिंदी में अक्सर इस ढंग के प्रयोग करते हैं, भगवान कैसे हैं, कहां लुप्त है प्रभु, सामान्य बोलचाल की भाषा में आता है। आपको ये हिंदूवादी आदमी कहे, मेरी तो आत्मा